ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत फैलाने वाले हैं धर्म ग्रंथ। पूजिए विप्रशील गुण ही ना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो अब पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। रामचरित मानस और मनुस्मृति फैलाते हैं नफरत। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वर्ण में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति मतलब नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। जिस शख्स का वीडियो अभी आपने देखा वो बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में ऐसा बयान दे गए जिस पर बवाल मच गया। डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस, मनुस्मृति और गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स जैसी किताबें नफरत फैलाती हैं। सुनिए उनका पूरा बयान। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। पटना में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे डॉक्टर चंद्रशेखर ने धर्मग्रंथों में लिखी जातिवादी और भेदभाव वाली बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये धर्मग्रंथ जातियों को नीच कहकर उन्हें पढ़ने लिखने से रोकते हैं। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई, पूजिए विप्रशील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। पूजिए विप्रशील गुण ही ना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो अब पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ है, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है, आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वर्ण में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति मतलब नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। मित्रों, आप सभी को बताना चाहता हूँ, शिक्षा और ईश्वर किसी जाति का दास नहीं है। न तो ईश्वर किसी जाति का दास है, न शिक्षा किसी जाति का दास है। मैं इसका एक बड़ा उदाहरण है कि रूढ़िवादियों द्वारा, यथास्थितिवादियों द्वारा, पोंगा पंडितों द्वारा यह बताया गया कि फलाना जाति नीच है, चिलाना जाति नीच है,
उसका न छुओ, उसका न खाओ, उसका न पियो। बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां और दूसरी तरफ धार्मिक गुरुओं ने डॉक्टर चंद्रशेखर के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। खुद को साधु संत कहने वाले अयोध्या के परमहंस आचार्य ने मंत्री की जीभ काट कर लाने पर 10 करोड़ का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। वैसे ये वाले साधु बात बात पर लोगों की जीभ और सिर काटने पर इनाम बांटते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन ग्रंथों में कुछ जातियों के बारे में जो खराब बातें लिखी हैं, क्या उनका जिक्र करना भी अपराध हो गया है? क्या मंत्री जी ने झूठ बोला है? और क्या ये धर्मगुरु इस बात का खंडन कर सकते हैं कि इन ग्रंथों में ये भेदभाव वाली बातें नहीं लिखी जो मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कही हैं? आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।